बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ज़ियारत इन्फोकार्नर में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए। कोविड वैक्सीनेशन आपने कैसे हासिल करनी है और कौन सी एप्लीकेशन से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज़ियारत इन्फोकार्नर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहें। चलें आए चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में यहाँ हमने लिखना है सहती, SEHATY। सहती लिखने के बाद यहाँ सहती एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रिएट अकाउंट आप करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर लिखना है मोबाइल नंबर। याद रखें मोबाइल नंबर, क्योंकि सऊदी अरब का है तो 00966 कंट्री कोड लगा हुआ है, तो आपने 59 से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, 59 के बाद जो भी नंबर आपका, या सॉरी 59 या जो भी है, इनके बताने का मकसद ये है कि ज़ीरो नहीं लगाना आपने। अपने मोबाइल के जिसमें पहले ज़ीरो है वो नहीं लगाना। ओके, आपने मोबाइल नंबर इंटर कर लिया, नीचे आपने इकामा नंबर इंटर कर दिया। इकामा नंबर इंटर करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। याद रखे आपने डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो आपके इकामे के ऊपर है, जो आपके इकामे के ऊपर है वही डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास मोबाइल में एक कोड आएगा, वो कोड आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वहाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन में वो पूछेगा आपसे कि आपको शुगर है, आपको कुछ सांस का प्रॉब्लम है, एलर्जी है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, तो आप उन क्वेश्चन का सब नो 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 में ऑलमोस्ट नो का ही आंसर आपने देना है। नो 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 आंसर ओके करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऐसे खुल जाएगी सेहती एप्लीकेशन का जो लॉगिन है ना, लॉगिन फॉर्म वो खुल जाएगा। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आप जब दोबारा लॉगिन के फॉर्म में आएंगे तो आपने ऊपर जस्ट लिखना है इकामा नंबर और नीचे आपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके मोबाइल पे पासवर्ड जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और कौन सी एप्लीकेशन से करनी है। एंड सेकंड स्टेप्स है, आपने सेहती एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आपने कोविड वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करनी है। ओके, ये एक इंजेक्शन का निशान पड़ा हुआ है, इसके आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कोविड 19 वैक्सीन। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो वो एक टीके का निशान पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करेगा। इससे जो नीचे है वो है टेस्ट का। अगर किसी ने टेस्ट करवाना है, टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो कोविड टेस्ट का सेकंड वाले पर क्लिक करेगा। क्योंकि हमने कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो हमने फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमारे पास आएगा। इसके बाद आपने अपने नाम के नीचे जो लिखा हुआ है डेट के नीचे एलिजिबल का मतलब है कि हाँ हम लगवा सकते हैं इंजेक्शन। नेक्स्ट है इसके साथ बुक आर व्यू अपॉइंटमेंट, हमने इसके ऊपर करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके जाएंगे। नीचे है बुक कोविड-19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट। ओके, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे वो सम क्वेश्चंस पूछेगा, सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स, नो टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि आपने कॉन्टैक्ट भी कन्फर्म किया कि 14 दिन आपने किसी ऐसे बंदे के साथ तो नहीं गुजारे जिसके साथ कोई जिसको कराना था, नो। ओके जी, डू यू सफ़र फ्रॉम एलर्जी तो नहीं है आपको, नो। उसके बाद कहता कि 19 डू यू कैच द कोरोना वायरस ड्यूरिंग द 90 डेज, इनका आपको 90 दिन के अंदर कोरोना वायरस ने कैच तो नहीं किया ना, नो।
या आपने सब क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो नो 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 करने हैं, एंड आखिर पे आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे मेरे पास यहाँ आ रहा है हिल्टन वैक्सीनेशन सेंटर, ओके। उसके बाद रियाद एक्सपो आ रहा है, मोस्टली आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। आपकी लोकेशन मोबाइल की ऑन होनी चाहिए और आपके मोबाइल की लोकेशन के लिहाज से आपके राउंड बोर्ड में जो हॉस्पिटल हैं वो यहाँ शो होंगे, ओके। और सबसे आसान तरीका है जो आपने ढूंढना है कि कौन सा हॉस्पिटल आपको नज़दीक पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि लिखा हुआ है हिल्टन वैक्सीनेशन सेंटर। इसके देखिए कार्नर में लिखा है 3.39 km है, इनके आलमोस्ट 4 किलोमीटर के राउंड बोट में ये हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कितना है जी, 6.58, 6 से 7 किलोमीटर ये हो जाएगा। उस नेक्स्ट यानी कि जो जो नीचे आते जाएंगे ना, ये आपके किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन से स्टार्ट करना है, नंबर वन से हिल्टन वैक्सीनेशन सेंटर मैंने ओके कर दिया। जैसे कि यहाँ स्लॉट अवेलेबल हैं 26, 27, 28, 3 डेज स्लॉट अवेलेबल हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ 26 की, ओके। यहाँ डेट्स हैं, ये डेट्स हैं, डेट अप्रैल, ओके। 26 अप्रैल मैंने सेलेक्ट की। 26 अप्रैल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ केयरफुली से टाइमिंग सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी टाइमिंग में वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे तो आपको टाइमिंग के अलावा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का जो है ना डिफरेंट वो काबिल कबूल है। इसके अलावा आपको वो रिटर्न कर देंगे कि अपने टाइम पे आए। तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे टाइमिंग, जो टाइम फ्रेम आपको पसंद हो, जिस पे आप इजी हो पहुँच सकते हो, वो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है, ओके। मैं यहाँ सेलेक्ट, अच्छा उसके बाद साथ AM एंड PM आपने लाजमी देखना है। 10:30 AM मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, 10:30 AM सेलेक्ट किया, ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म करना है, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद थोड़ी सी देर आपने वेट करना है। वेट करने के बाद कहता है अपॉइंटमेंट हैज़ बीन रिजर्व सक्सेसफुली, ओके। आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी देर इसको ऐसे वेट करना है। इन ऑर्डर टू योर एप्लीकेशन प्लीज सर्विस अटेंड, ओके। ये लिखता है थोड़ी सी देर यहाँ करने के बाद फिर आपने इसको क्लोज करना है। जैसे ही क्लोज का बटन आप मारेंगे, ये आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ओके। मुशर्रफ खान, ये हिल्टन वैक्सीनेशन सेंटर, ओके। ये डेट है, ये टाइम है, और ये इसका स्क्रीन कोड है, और ये कोड आपने, उसके बाद फिर आपने करना क्या है कि आपने ऐसे ऊपर करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ले लेना है स्क्रीन शॉट नंबर वन, इसको ऊपर करके इसके बाद आपने इस दूसरी का ले लेना है स्क्रीन शॉट, ताकि अगर आप, सॉरी ये बंद हो गया, ताकि अगर आप वहाँ पहुँचें और वहाँ आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन ना हो, तो आपके पास ये दो स्क्रीन शॉट मौजूद होंगे, जिसके बिना पर आप दिखाकर ये स्क्रीन शॉट वो आप स्कैन करेंगे उधर, और आपको वैक्सीन लगा देंगे, ओके। यहाँ तक समझ आ गई है आपको, वैक्सीनेशन डेट अपॉइंटमेंट ओके करने के बाद आपने ऐसा करना है कि दो स्क्रीन शॉट ले लेने हैं। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपने अपने पास रख लेने हैं। जब वहाँ जाना है तो फिर आपने वो स्क्रीन शॉट दिखाने हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चलती तो, ओके। अपना ही काम ओरिजिनल अपने पास रखना, और अपना मोबाइल नंबर ये ले के जाना मत भूलना। दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि वहाँ आपको वो कंफर्म करेंगे कि आप ही हैं या कोई और है। आपके मोबाइल पे वहाँ वेरिफिकेशन कोड एक और आएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, अब आप जाएंगे कैसे, ये तो हो गया, यहाँ तो कोई लोकेशन नहीं है। तो यहाँ ये जो तीर का निशान पड़ा हुआ है येलो में, आप इसको ओके करेंगे, ओके। ये तीर के निशान को आप ओके करेंगे। तीर के निशान को ओके करने के बाद आपको ये डायरेक्ट लोकेशन पे लेके जाएगा, मोबाइल पे लोकेशन ओपन हो जाएगी, मोबाइल पे लोकेशन ओपन हो जाएगी। आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिनट और टाइम बता देगा कि कितने मिनट में आप उधर पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ से 9 मिनट का फ़र्क है, 9 मिनट में आप उधर पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी इन्फो जो है एक पसंद आई होगी,
और कुछ कहने में कुछ बोलने में गलती होगी तो माजर चाहता हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा जो चैनल है ज़ियारब इन्फो कॉर्नर उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो परदेसी भाई हैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। ओके, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो जी फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि सहाती एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, और सेकंड स्टेप में हमने ये आपको बताया था कि उसको लॉगिन कैसे करना है। ओके, एंड थर्ड स्टेप में आप ये देख लीजिए कि आपने वैक्सीनेशन कैसे हासिल करनी है। ओके, आपने लाइन में आना है और ये वज़ारत सेहत का जो आदमी है ये हर बंदे से सवाल कर रहा है कि आपके पास सेहती एप्लीकेशन है उसमें वो डाउनलोड है वो मुझे दिखाएं। ये देख रहा है, सेहती एप्लीकेशन देखता है, जिसके पास है उसको आगे भेज रहा है, जिसके पास नहीं है उसको उधर से भेज रहा है वापस। यहाँ मुकम्मल चेकअप के बाद मुकम्मल चेकअप किया जाता है और दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तवक्कलना और दूसरा सेहती एप्लीकेशन आप लॉग इन करें और स्कैन कोड की जगह वो ओपन करके रखें आप। ये दो चीज़ें आपकी दोनों वैलिड होनी चाहिए, आपका तवक्कलना ओपन होना चाहिए और सेहती एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। पहले तवक्कलना देखेंगे, उसके बाद सेहती एप्लीकेशन, उसके बाद फिर आपको अंदर जाने दें। इसके लिए आपके मोबाइल में नेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप पैकेज करा लें, पैकेज करा के वैक्सीनेशन से पहले आप पैकेज करा लें ताकि एंड टाइम पर आपको कोई मुश्किल ना आए।